इंसान बहुत कमजोर है। अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद भी अल्लाह जल्ल शानहु ने सारी दुनिया में इसको सारी मखलूक से आला बनाया और सारी मखलूक से अफसल बनाया। अपनी सारी बशरी कमजोरियां, खल्की और मिजाज की, तबीयतों की कमजोरियां, सारी कमजोरियों के बावजूद रब ने इसको मकाम और मर्तबा दिया है। सारी कमजोरियों के बावजूद जहां यह कमजोर है वहां इसके दुश्मन भी बहुत हैं। बड़ों से एक बात सुनी थी कि बला के ऊपर बला है, इसके दुश्मन बहुत हैं, हद से ज्यादा है। एक दुश्मन तो इसका, उसका दावा यह है कि यह नाजायज काबिजीन में से है। जमीन पे इससे पहले कब्जा हमारा था, हम करोड़ों अरबों साल से अल्लाह जल्ल शानों के इल्म में है, हम यहां रहते थे, ये कहां से आ गया? हम पुरानी मखलूक, ये नई मखलूक, ये यहां कहां से आ गया? न मुंह न मत्ता जैन पाड़ उलत्था, कहां से आ गया? वो है जिन्नात। वो जिन्नात कहते हैं कि ये तो बंदा, जमीन हमारी, निजाम हमारा, और जिन्नात सिर्फ जमीन पे नहीं रहते, जमीन के नीचे भी रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं। तो ये कहां से आ गया? उस दिन से लेकर आज तक इनका जो पहला बाबा था ना, वो बाबा हमसे नाराज है। पहला बाबा जिसका नाम था अजाजील और नाफरमानी के नाम बाद नाम पड़ा इबलीस, शैतान। पहला नाम क्या था? अजाजील। और ये जिब्रील, मिकाइल, इसराफील, अजाजील, अब लफ्ज समझ रहे हैं कितने मिलते जुलते हैं, इसका मकाम कितना ऊंचा था। जिब्रील, अजाजील, एक तरफ जिब्रील देखें तो नूर की इंतहा है, और एक तरफ अजाजील देखें तो नार की, जुल्मत की, अंधेरों की, शैतानियत की इंतहा है। नाम मिलते जुलते हैं। तालूत, जालूत, नाम मिलते जुलते। हजरत तालूत जो थे वो तकवी की इंतहा, दाऊद अलैहिस्सलाम के बॉस थे, बड़े थे, फिर अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत अता फरमाई। तालूत और जालूत, जालूत नाफरमानी की इंतहा, तालूत फरमाबरदारी की इंतहा। इसी तरह यह शख्स जो इनका बाबा था, उसने पहले दिन से इंसान को चैलेंज किया था कि मौला ये कौन है? इसका समीर खमीर मेरे सामने गुंधा गया, सोलह साल पढ़ा रहा, उसमें एक ताफुन अफूनत पैदा हुई, एक खमीर पैदा हुआ, वो खमीर बन गया, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से मेरी आंखों के सामने इसको गूंधा बनाया। अब वो इस इंतजार में था कि इस जिस्म से के साथ मैं कोई शरारत करूं, उसे पता चल गया कि कोई आ गया है, आ गया है।